बारह गांव के ये प्रकरण है, एक गांव का प्रकरण नहीं है, जनहित में मैंने ये जितने जो सरकार का पैसा आता है वो उसकी सूचना मांगी। 132 दिन हो गए हैं, 132 दिन से जो ब्लॉक बलियाखेड़ी का वीडियो है, वीडियो ही चूंकि डीडीओ है इसलिए ना तो वीडियो स्तर पे कोई मुझे सूचना दी जा रही है ना ही वो सूचना डीडीओ स्तर पे दी जा रही है, वो पेंडेंसी ऊपर से की जा रही है। जितने प्रेशर दबाव जितने हो सकते हैं ये वो कर रहे हैं लेकिन सूचना नहीं देना चाहते हैं। इवन यहाँ तक कह दिया कि बीच में हटा देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने तो बहुत ज़िंदगी जी ली है, बट मैं इसके खिलाफ़ मैं बैठ गया हूँ। आज मेरा भूख हड़ताल का पहला दिन है, निश्चित रूप से या तो मैं मर के जाऊँगा या इस अधिकारी के खिलाफ यहाँ पूरी तरीके से जांच बिठवाऊँगा और इसको जेल भिजवाऊँगा। ये पूरी तरीके से करप्ट अधिकारी है, निहायत बदतमीज है, बात करने की तमीज़ नहीं है। एक अधिकारी को जो पूरी तरीके से जनता के बीच का रहने वाला विकास से जुड़े भी मुद्दे होते हैं, गांव का अनपढ़ आदमी भी आता है, जो आदमी पढ़े लिखे के साथ बदतमीजी करेगा तो वो गांव के जो सीधे साधे आदमी हैं उनके साथ क्या करेगा। तो ये स्थिति है, ये है मनसराम यादव जो जिला विकास अधिकारी कम BDO ब्लॉक खंड विकास अधिकारी इसको नहीं बोलते हैं, ये ब्लॉक बलियाखेड़ी से में इनके अतिरिक्त प्रभार है। ये लोग एक तरीके हो इसमें BDO सूचना अधिकारी है जी। अगर वो सूचना न मिले और उसमें हमको अपील में आए हम भी न सूचना दे तब तो हम कहीं समझ में आता है जी। जो ग्राम पंचायत का सेटअप है वो ऑलरेडी सूचना अधिकार अधिनियम में सभी निर्धारित है, विभागों ने कर रखा है कि कौन उसमें सूचना अधिकारी होगा जी। सूचना अधिकार में ये प्रावधान है कि अगर किसी गलत जगह पे आपने सूचना मांग ली तो आपकी खारिज नहीं की जाती बल्कि संबंधित को अंतरित कर तो आपको बता दिया जाता है आप वहाँ सूचना ले लो जी। जी समझ रहे हैं ये स्थिति है। और महेश सैनी का मैं समझता हूँ कि जिले की कम से कम 50 ग्राम पंचायतें ऐसी होंगी जहाँ की इन्होंने मांग रखा होगा, इनको लेना चाहिए जा करके।